हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल INDI प्लस में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसा बाजार प्री अप्रूव लोन एंड क्रेडिट कार्ड की। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को पैसा बाजार प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तीन तीन क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो पैसा बाजार की तरफ से प्री अप्रूव ऑफर दिया जाता है, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो क्या वाकई में हमें बिना इनकम प्रूफ के यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिल जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूँ। तो यहाँ पे गाइस, फाइनली मेरे पास जो है पैसा बाजार की तरफ से एक नहीं दो नहीं पूरे तीन तीन क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव ऑफर है। अब जैसा कि यहाँ पे गाइस मेरे पास जो है पैसा बाजार की तरफ से कॉल भी आया कि सर आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो, लेकिन फिर गाइस मैंने जो है मना कर दिया था। लेकिन अब आप लोगों को मैं इस वीडियो में अप्लाई करके बताने वाला हूँ कि आप वाकई में ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। उसके लिए आप लोग वीडियो कंटिन्यू वॉच करते रहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्रेडिट कार्ड दिखाता हूँ जो मुझे प्री अप्रूव ऑफर के तहत यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, एक तो सिटी बैंक का हो गया और एक HDFC बैंक का हो गया, और यहाँ पे एक पर्सनल लोन का भी ऑफर शो कर रहा है जो कि मनी व्यू की तरफ से आप लोग देख सकते हो, जिसमें मुझे 1,80,000 रुपए के लिए एलिजिबल बताया जा रहा है। मनी व्यू की तरफ से ऑफर करा जा रहा है जो कि पैसा बाजार हमें ये प्री अप्रूव ऑफर बता रहा है। ठीक है, और उसके नीचे देख सकते हो गाइस यहाँ पे सिटी बैंक का जो रिवॉर्डेड क्रेडिट कार्ड है, इसका भी प्री अप्रूव ऑफर यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे गाइस काफ़ी लोगों को पैसा बाजार की तरफ से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिल भी जाता है बिना इनकम प्रूफ के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पैसा बाजार में अगर आप लोगों को प्री अप्रूव ऑफर शो कर रहा है तो आप लोग काफ़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसा कि मेरे पास जो है तीन तीन प्री अप्रूव ऑफर शो कर रहा है, एक पर्सनल लोन का और दो क्रेडिट कार्ड का। एक तो HDFC बैंक का जो मनी बैक क्रेडिट कार्ड है उसका ऑफर शो कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे सिटी बैंक का जो रिवॉर्डेड क्रेडिट कार्ड है इसका ऑफर शो कर रहा है। तो इनमें से गाइस मैं जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके देखता हूँ मुझे कौन सा मिलता है। यहाँ पे HDFC का तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, सिटी बैंक का यहाँ पे अप्लाई करके देखने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को जो है इन क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट नहीं बताऊँगा, पहले हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं अगर यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अगर कार्ड अप्रूव होता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को जो है इन कार्ड के ऊपर क्या बेनिफिट मिलता है वो आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए गाइस यहाँ पे एक काम करते हैं, हम जो है सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे प्री अप्रूव शो तो कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सबसे पहले अप्लाई करके देख लेते हैं, बेनिफिट इसके हम बाद में जानेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे अप्लाई करने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे गाइस पेज को ओपन होने देते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो कि पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हमें जो है अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होगी, जिसमें से हमारी काफ़ी डिटेल यहाँ पे डली हुई आ रही है, जिसमें से यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का नंबर, और यहाँ पे मैरिड है सिंगल है वो भी यहाँ पे डला हुआ आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को अपने फादर नेम और मदर नेम दो चीज़ें एंटर करनी है, जो कि आपको मैन्युअली एंटर करनी पड़ेंगी, बाकी पर्सनल डिटेल वाले पेज पे आपकी सभी डिटेल फिलअप होंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने जो है अपने फादर का नाम और मदर नेम एंटर कर दिया। उसके बाद नीचे देख सकते हो सेफ एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करोगे। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है एड्रेस की डिटेल डालनी होगी। ठीक है, यानी कि आप जो है रेंट वगैरह पे जैसा भी है आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, आप वही एड्रेस डालिए जो आपके डॉक्यूमेंट पे है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे जाएंगे, बैंक की तरफ से एक एजेंट आएंगे, वो आपसे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक फ़ोटो लेके जाएंगे, और बाकायदा आपसे एक सिग्नेचर भी करवा के लेके जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे जो भी एड्रेस डालो वो आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना रेजिडेंट यानी एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करने के बाद सिंपली नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस प्रूफ के एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, जिसमें से आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर, तो वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेव पे यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें जो है प्रोफेशनल यानी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी होंगी। ठीक है, कि हम जो है काम क्या करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, हमारी पोस्ट क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी होंगी। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल डाल देता हूँ, जैसे कंपनी का नाम, उसके बाद आपकी पोस्ट क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है अपनी सभी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल फिलअप कर दी। आप लोग सभी अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल सही से डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट अप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो यूआर क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन अप्रूव।
यानी कि ये क्रेडिट कार्ड हमें प्री अप्रूव मिल रहा था और यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को सबमिट करा तो ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव बता दिया गया। ठीक है, अभी तक गाइस हमने जो है कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करे, ना ही कोई डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नंबर डाला, सिर्फ पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करा। ठीक है, बाकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली, जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप डिटेल और पर्सनल डिटेल थोड़ी बहुत डाल दिया और उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि एप्लीकेशन को अप्रूव बताया जा रहा है, यानी हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसको अप्रूव बताया जा रहा है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन जो हमारी इस टाइम अप्रूव बताई जा रही है, असल में यहाँ पे हमें जो है एक मेल रिसीव हुआ है जिसपे हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट बताई जा रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अनेबल टू प्रोसेस योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, क्योंकि आपकी जो डिटेल है वो बैंक के पॉलिसी के साथ मैच नहीं हुई। ठीक है, अभी जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टेटस चेक करके भी दिखाऊंगा तो एप्लीकेशन डिक्लाइन बताएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी SMS और ईमेल दोनों ही आ चुके हैं, इस पे मुझे नॉट एलिजिबल बताया गया है, ये क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गाइस मैं बैक आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे जो है मेल रिसीव हुआ जिसमें अनेबल टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन बताई गई है और यहाँ पे आप लोगों के सामने एप्लीकेशन को अप्रूव बताया गया है, यानी क्रेडिट कार्ड को अप्रूव बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं जो है अब स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई या फिर रिजेक्ट कर दी गई। अब यहाँ से हम जो है ये क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद पेज को ओपन होने देते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल आपको दोबारा से डिटेल डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन को स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल हमें जो है दोबारा से फिलअप करना होगा। जैसे पर्सनल डिटेल में सारी डिटेल हमारी फिलअप है, बस यहाँ पे फादर नेम एंड मदर नेम एंटर करना होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे फादर नेम मदर नेम डाल दिया, उसके बाद नीचे सेफ एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि ये एप्लीकेशन 4 सेकंड तक ही यहाँ पे ओपन रहेगी, जिसमें एप्लीकेशन डिक्लाइन बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, मैंने वही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करा और उसी का स्टेटस आप लोगों को चेक करके दिखा दिया। अब यहाँ पे गाइस मैंने आप लोगों को विद प्रूफ के साथ बता दिया कि अगर आप लोगों को पैसा बाजार की तरफ से या फिर बैंक बाजार की तरफ से प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है तो आपकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट करी जा सकती है। ठीक है, अब जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पे अपनी जो डिटेल है उनको बिल्कुल सही और बिल्कुल प्रॉपर फिलअप करा था, जो भी कंपनी का नाम, पर्सनल डिटेल में जो भी मेरे डॉक्यूमेंट में डिटेल है, बिल्कुल सेम डिटेल यहाँ पे फिलअप करा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमारा जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा उसके 2 घंटे बाद इनके कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आ गया। ठीक है, उन्होंने बताया कि आप जो है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करा था, वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप दोबारा से बता दो, आपकी जो एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई हम दोबारा से फिलअप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये प्री अप्रूव ऑफर दिया जा रहा है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड 100% मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने जो है उनको अपने पर्सनल डिटेल वहाँ पे बता दिया, पिन कार्ड नंबर वगैरह सभी चीज़ें बता दी, तो उन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी। ठीक है, उसके बाद गाइस मेरे पास जो है बैंक की तरफ से कॉल आया वहाँ पे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक फ़ोटो ली गई थी। ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट लेने के बाद गाइस फिर भी मेरे पास जो है ईमेल आया कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसे कैंसिल कर दिया गया है, यानी जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो बैंक की पॉलिसी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को बैंक बाजार या पैसा बाजार में प्री अप्रूव ऑफर मिलता है तो हो सकता है गाइस आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। अब यहाँ पे गाइस मेरी जो एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन कर दी गई है, हालांकि एक बार मैंने अप्लाई करा था तो तब भी एप्लीकेशन तुरंत डिक्लाइन कर दी गई है, इस टाइम जो कि आपके सामने मैंने करके दिखाया, और जो इनके कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आई थी उन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट करा था, वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ था बैंक की तरफ से, एजेंट आए थे, वो मेरे डॉक्यूमेंट लेके गए थे आधार कार्ड पैन कार्ड, और डॉक्यूमेंट ले जाने के 1 घंटे बाद ही मेरे को ईमेल रिसीव होता है कि जिसमें बताया जाता है कि अनेबल टू प्रोसेस योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि सिटी बैंक की तरफ से ईमेल मेरे को रिसीव हुआ था।